अगर आपको अपना एल एम करवाना हो कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज करवाने हो तो आप हमसे रबा करें इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रबता करें अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी यू वी डब्ल्यू एन आज की इस वीडियो में हम सी एस सिक्स जीरो एट सॉफ्टवेयर वेरीफिकेशन एंड वेलडेशन के असाइनमेंट नंबर वन के सोलूशन के बारे में देखेंगे असाइनमेंट नंबर वन का सलूशन तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर वन को आप अगर रीड करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि एन ए बी सी सॉफ्टवेयर हाउस इज़ वेबसाइट फॉर पब्लिक यूज यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल अंडर ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग ठीक है नीचे एक टेबल दी हुई है उसमें से हमने डिफाइन करना है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ आती है या ब्लैक बॉक्स टेबल से पहले मैं चाहता था कि आपको कुछ टॉपिक्स की समझ आ जाए क्योंकि असाइनमेंट्स में ही आप वीडियोस को देखते हैं पहले वैसे तो वीडियोस को कोई नहीं देखता वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है कि आपने एक अगर कोई वेबसाइट ली है उसको टेस्ट करना है आपने टेस्ट किस तरह से करेंगे आप उसके सोर्स कोड की मदद से उसको टेस्ट करेंगे ठीक है यानी आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों स्ट्रक्चर उसके देखेंगे कि उसका सोर्स कोड सही तरह से लिखा हुआ है या नहीं उसमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई है या नहीं और इसकी जो आउटपुट आ रही है वो सेम आ रही है या नहीं ठीक है जैसे मैंने लिखा लिखा हुआ है कि दैट फोकसज ऑन दी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हु परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग हैव एक्सेस टू सोर्स कोड एंड नॉलेज ऑफ द सिस्टम इंटरनल वर्किंग यानी टेस्टर को पता होता है कि ये इंटरनली किस तरह से वर्क करेगा ये सोर्स को इस तरह इसका जो लिखा है वो सही तरह से लिखा हुआ है या नहीं ठीक है अब देखें एक हमने कंडीशन लगा के कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो टेस्टर देखेगा कि उसकी कंडीशन सही तरह से लिखी हुई है या नहीं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं आपको हमारी जो क्वेश्चन आता है असाइनमेंट का आपने प्रिंट करवाना है प्रिंट दी टू नंबर्स ठीक है ए हमारे पास दिया हुआ है वो कहता है जी फोर और बी आपके पास दिया हुआ है फाइव ठीक है आप जब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका सम किस तरह से आ रहा है हम कोड क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड होगा तो लिखने वाले ने क्या लिखा हुआ है सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है इनकी वैल्यूज़ फिर सम इज़ इक्वल टू ए ए की वैल्यू हमारे पास फ़ोर होगी फिर बी की वैल्यू हमारे पास फाइव होगी ठीक है तो दी सम इज नाइन ठीक है ये आपके पास सोर्स कोड लिखा हुआ है अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो देखेगा कि हाँ जी इसकी जो आउटपुट है वो सेम आ रही है और इसके जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है सोर्स कोड के अंदर वो ठीक तरह से आ रहा है ठीक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग इस तरह से चेकिंग करेगा और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अगर होता तो वो किस तरह से चेक करता ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी हम सेम तरह से यही एग्जांपल दे देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने क्या करवाना है प्रिंट करवाना है यही स्टेटमेंट को और जो हमारे कोडर हैं हज़रा है, जैसे मैं हूँ कि मैंने लिख दिया दिया सब इस टाइम मैंने उसमें कोई एल्गोरिथम यूज़ ही नहीं किया तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है कि आप जस्ट इसकी आउटपुट को देखते हैं आप ये नहीं देखते कि उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो किस तरह से है ये वो ठीक है ना हम ऊपर ऊपर से चेक करते हैं कि हाँ जी इसकी आ, जो चीज़ है यानी आउटपुट फंक्शनलिटी है वो ठीक तरह से वर्क कर रही है ठीक है जी और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बहुत ही नाकारा टेस्टिंग होती है ठीक है क्योंकि जो असली चीज़ होती है वो हमारे फंक्शंस होती हैं कि किस तरह से हमारा फंक्शन है या इंटरनली कोड वर्क कर रहा है ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग ईजीली मैंने आपको समझा दिया है तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है टेबल ठीक है स्टेटमेंट दिए हुए कहते हैं एग्जीक्यूट द इफ़ एल्स कंडीशन विद फोर पॉसिबल टेस्ट केसेस अब देखिए हमने क्योंकि कोड के अंदर जाके छेड़छाड़ करनी है इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर ठीक है जी तो ये हमारे क्या आ गया वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंडीशनल लूप्स देखिए अब यहाँ पे हमने लूप्स के अंदर रह के काम करना है ठीक है तो ये कंडीशनल लूप्स के अंदर ये भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आ गया अ स्पेसिफिक फील्ड में एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड वन थाउजेंड तो ये आउटपुट का क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है वो कहता है कि एक फील्ड के अंदर जाएं और उसमें जाके देखें कि वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं ये हम नहीं पता कर रहे कि उसके बैक एंड पे कोड कौन सा है ठीक है ये ब्लैक बॉर्ड टेस्टिंग है वो कहता है वेरीफाई दैट ओनली अबव एटीन एज ग्रुप यूज़र कैन यूज़ दिस वेबसाइट ठीक है जस्ट हमने जाना है आउटपुट वाले सेक्शन में वहाँ पर हमने नाइनटीन लिखना है वो नाइनटीन पैर देता है तो ये हमारा टेस्ट हो गया ठीक है चेकिंग दैट इट इज पॉसिबल टू लॉग इन यूजिंग द करेक्ट यूजर क्रेडेंशियल ये भी फ्रंट एंड के काम होते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ फ्रंट एंड को चेक करती है जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारी फ्रंट और बैक एंड दोनों को चेक करती है ठीक है जी तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर दो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दो वो कहता है आइडेंटिफाई हैं पॉसिबल कंप्लीट पास फ्रॉम द गिवन कंट्रोल फोलोग्राफ ठीक है इसकी मैंने आउटपुट नहीं बनाई हुई क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था हमने तकरीबन एक साल पहले एक असाइनमेंट बनाई थी सी एस की ठीक है जी उसका सोलूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है उसमें बिल्कुल इसी तरह की उन्होंने दिया होता ग्राफ लेकिन उसमें उन्होंने कोड दिया था और हमने उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना था सी ग्राफ में ठीक है जी तो अब हमने क्या करना है अब हमने उसी कोड को लिखना है ठीक है जब हमारा ग्राफ बनाता सी एफ तो किस तरह से बना था वो इस तरह से बना था ठीक है या आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं सी को कुछ पढ़ें तो ये आपका ग्राफ जो है इस तरह से बनते हैं इफ़ेल स्टेटमेंट उसमें क्या होती हैं वो इस तरह से बनती हैं वाइल्स स्टेटमेंट डू वाइल्ड स्टेटमेंट ठीक है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाती हैं फॉर स्टेटमेंट ठीक है आप उसका कोड किस तरह से बनता है और उसका सी किस तरह से बनता है खैर हमारा जो मकसद है वो है इसी के ऊपर तो लाइन नंबर वन में हमने सबसे पहले क्या करवा लिया लाइन नंबर वन में हमने सबसे पहले ले लिया नंबर नंबर इज इक्वल टू लाइन नंबर वन फिर हमने उसमें क्या चलाया फिर हमने उसके अंदर एक स्टेटमेंट चलाई ठीक है कौन सी स्टेटमेंट चलवाई ये आप इससे पता कर सकती हैं कि डायरेक्ट जाके जो सबसे नीचे हमारे पास आ जाता है वो डू वाइल स्टेटमेंट होती है या वाइल स्टेटमेंट होती है ठीक है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वाइल एल टू इज़ करेक्ट तो जंप करके हम जा रहे हैं लाइन सेवन पे अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन चलाई है ठीक है अगर कंडीशन हमारे लाइन थ्री पे कौन सी है इफ़ और एल्स वाली ठीक है जी तो मैं इसको ना आपको बताता जाता हूं कि किस तरह से आपने करना है ठीक है ये हम पेंट ओपन कर लेते हैं ठीक है जी लाइन वन पे हमारी क्या हो गया नंबर वन ठीक है लाइन टू पे हमारा क्या चीज़ आ जाएगी लाइन टू पे हमारी आ जाएगी वाइल स्टेटमेंट यहाँ पे आपने वाइल लिखना है फिर लाइन थ्री पे आपने इफ़ ईफाइल्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन फोर पे अगर फॉल्स होगी लाइन फाइव पे ठीक है जी तो उसकी जो आउटपुट होगी फिर हमारी लाइन सिक्स पे आ जाएगी फिर हमने इफ़ ईफाइल्स कंडीशन चलाई है अगर हमारी लाइन सिक्स वाली कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन सेवन पे अगर फॉल्स होगी तो लाइन एट पे इसी तरह फिर वो लाइन एट से फिर नाइन पे चली जाएगी ठीक है जी ये आपकी आपने किस तरह से लिखना है कोड आपने इस तरह से लिखना है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है जी इस तरह से आपने लिख लेना है बाकी ये थी असाइनमेंट अगर असाइनमेंट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू अल्लाह हाफिज़